आप देख रहे हैं TNB। सफेद बालों को नेचुरल तरीके से काला कर देंगी ये चीजें। इस खबर में हम आपके लिए उन चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकती हैं। खराब लाइफस्टाइल, हार्मोनल बदलाव और बालों के लिए गलत प्रोडक्ट का प्रयोग, ये सभी कई बार बालों को सफेद करने की वजह बन जाते हैं। साथ ही लाइफ में तनाव बढ़ने पर भी बाल सफेद होने लगते हैं। अगर आप सभी भी सफेद हो रहे बालों से परेशान हैं, तो ये खबर आपके काम की है। कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करने में मदद करेंगे। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ लोगों के कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, जिसका प्रभाव हमारे आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि समय रहते इन पर ध्यान दिया जाए और इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। अब अगर बात करें बालों को नेचुरल तरीके से काला करने वाले उपाय के बारे में, तो आपको बता दें कि सबसे पहले मेथी के दानों का प्रयोग किया जा सकता है। मेथी भी बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकती है। मेथी में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को काला बनाए रखने में मदद करते हैं। सबसे पहले आप सभी 2 चम्मच मेथी दाने को रात भर पानी में भिगोने को रख दें। उसके बाद सुबह इसे पीस कर बालों के जड़ों में लगाएं। अगर आप सभी चाहें तो इसे नारियल या बादाम के तेल के साथ भी अपने बालों में लगा सकते हैं। अब बालों में हेयर पैक की तरह उपयोग कर सकते हैं मेथी के दाने को आप सभी। वहीं दूसरा उपाय है आंवला। आंवला बालों की सेहत के लिए लाभकारी माना गया है। आंवले में भी भरपूर मात्रा में आयरन, विटामिन सी, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं, जो बालों की मजबूती, काला बनाए रखने और झड़ने से बचाने के लिए जरूरी तत्व है। सबसे पहले आप सभी आंवले का प्रयोग मेहंदी के साथ कर सकते हैं। दूसरा, आप ताजा आंवला का जूस भी बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। साथ ही आंवले के पाउडर का पेस्ट बनाकर भी इसका प्रयोग बालों में किया जा सकता है। अब अगर तीसरे उपाय के बारे में बात करें तो वो है चाय पत्ती। बालों की सेहत के लिए चाय पत्ती बेहद लाभकारी है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो बालों की सेहत के लिए एक जरूरी तत्व है। सबसे पहले चाय पत्ती को पानी में उबालें और ठंडा होने छोड़ दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे बालों की जड़ों में लगाएं। कुछ देर तक मसाज करें। करीब 1 घंटे बाद बालों को सामान्य पानी से धो लें। इसके बाद आप सभी दूसरे दिन बालों में शैम्पू करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in पर।